हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने बनाया है आपकी रिक्वेस्ट पे। एक कमेंट आया था मेरे पास, वो कमेंट मैंने शामिल किया है और उसके अलावा भी मैं बहुत सारी बातें इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को सॉरी एंड तक देखिएगा ज़रूर। और जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में बताया है, वही सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि मैम, हम LLB BLLB में कितने पेपर में फेल, अगर कोई फेल हो रहा है, सपोज कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चों ने तैयारी नहीं की होती है तो फेल या कंपार्टमेंट आ जाती है, तो कितने पेपरों तक छूट मिलती है। तो बच्चों, इसका जवाब ये है कि तीन पेपर। अगर आप तीन पेपरों में आपकी जो है फेल लिखा हुआ है तो आप उन तीन पेपरों को दोबारा से दे सकते हो, ठीक है। पर ये आप आने की नौबत मत आने देना। इसमें क्या होता है कि जैसे मैं LLB का एग्जाम्पल ले रही हूँ, BLLB का नहीं ले रही हूँ, वो सेम टू सेम है, ठीक है। तो जैसे आपका फर्स्ट ईयर में आपका तीन एग्जाम में आपका जो है फेल लिखा हुआ है, तो आप ये तीन पेपर दोबारा से दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिचुएशन और आती है कि इसमें जो पासिंग मार्क्स है वो 36 है पर सब्जेक्ट में, ठीक है। सारे सब्जेक्ट में अगर आपके 36 नंबर आ गए तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। 36 से नीचे होगा एक नंबर भी तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो इसमें अगर आपके दो सब्जेक्ट में अगर आपके जो है कम नंबर है, 25 नंबर है, 26 है, मतलब 36 से कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 36 से कम नंबर हैं आपके, ठीक है। अब आप उन दो पेपरों में आपके पास लिखा हुआ है फेल, लेकिन आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट हैं, जो आपके 6-7 सब्जेक्ट, टोटल 9 सब्जेक्ट हैं, अब आपके 5-6 सब्जेक्ट मिला के ही आपके 48% से ऊपर बन रही है, तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे। बैक पेपर तो आप देंगे, अगर आप उसमें भी नहीं निकले ना तो आप दूसरी क्लास में जंप हो जाएंगे, यानी LLB सेकेंड ईयर में आप चले जाएंगे। इसका रीज़न ये है कि इसमें आपने 48% पासिंग जो परसेंटेज निर्धारित करी गई है वो क्राइटेरिया आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन दो पेपर जो तीन पेपर आपके रह रखे हैं वो तो आपको क्लियर करने ही पड़ेंगे, सेकेंड ईयर में करने पड़ेंगे। अगर आपने दूसरा चांस भी आपको जो है आपने उसमें भी आप अटेम्प्ट में फेल हो गए तो आप सेकेंड ईयर में देंगे। सेकेंड ईयर में किस बेस पे गए आप, क्योंकि आपके जो 48% से ऊपर बन रहा था या 48% बन रहा था बाकी के सब्जेक्ट का कैलकुलेशन निकाल के, परसेंटेज निकाल के, ठीक है। अब आपने सपोज दोबारा आपने पेपर दिया, री आई थी, आपने दोनों तीनों पेपर क्लियर कर दिए तो वो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स की ना परसेंटेज ही ठीक नहीं होती है, 48% नहीं होती, तो वो बढ़ाने के लिए भी जो है दोबारा से री एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि 48% तो लाना ज़रूरी है ना, तभी तो आप पास हो जाएंगे, क्योंकि एंड में तो आपको पास होने के लिए इतनी तो चाहिए ही चाहिए आपको परसेंटेज। तो मैंने आपको दोनों तरीके से आपको मैंने बता दिया है कि पेपर रह जाएंगे, दो तीन पेपर रह जाएंगे अगर 48% का क्राइटेरिया कंप्लीट है, क्योंकि वो आपने दूसरे सब्जेक्ट में आपने ज़्यादा ज़्यादा 80-80 नंबर ला के आपने जो वो क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया था, तो आप सेकेंड क्लास में यानी सेकेंड ईयर में आप जंप कर जाएंगे और वो एग्ज़ाम तो आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब फिर क्या होगा कि आपके पास सेकेंड ईयर का भी लोड पड़ जाएगा और फर्स्ट ईयर के बैक का भी लोड पड़ जाएगा, तो इससे बेटर है कि आप टाइम टू टाइम निकालते रहें। तो इसमें अगर आपके एक पेपर में बैक आ गई है तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, 2 से 3 एग्ज़ाम का रिफॉर्म भर देते हैं कि री एग्ज़ाम के लिए, ताकि उनकी परसेंटेज, अगर इन्होंने री पेपर में ये जो दोबारा इनकी इनकी जो जिस सब्जेक्ट में कंप्लीट आई, सपोज़ IPC में कंपार्टमेंट आ गई है, IPC का भरा तुमने और फिर उसमें तुम्हारे मात्र 36 नंबर आ गए और तुम्हें चाहिए थे भाई 40 नंबर, 50 नंबर चाहिए थे, 60 नंबर चाहिए थे तुम्हें 48% क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं 2 से 3 सब्जेक्ट भर लेते हैं, ठीक है, उनको छूट होती है। इसके लिए आप अपने कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि उसमें वो ऐसे भी मतलब उन सब्जेक्ट में वो पास भी होते हैं लेकिन फिर भी भर देते हैं, क्योंकि उनकी अच्छी पकड़ होती है उसमें, तो वो ज़्यादा नंबर गेन कर लेते हैं दोबारा। अब क्या होता है उनकी परसेंटेज जो है वो बढ़ जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहे तो आप कमेंट दीजिए मुझे, ठीक है, फिर मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी जहाँ आपका डाउट है।
ये तो थी, तीन पेपरों में आप दे सकते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने और थंबनेल में लिखी थी कि जब आप प्रवेश लेते हैं या एडमिशन लेते हैं तो कितने परसेंट वाला जो है ले सकता है इसमें, इसमें 45% निर्धारित करी गई है। 12वीं के बेस पे ले रहे हैं तो 45% आनी चाहिए। अगर आप जो है ग्रेजुएशन के बेस पे ले रहे हैं तो भी आपके 45% 45% आनी चाहिए, तब आप जो है एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए। लेकिन ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड भी करता है, कहीं 50% भी मांगते हैं, 45% भी मांगते हैं, और कहीं इससे कम भी हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, जिस यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हैं उसको आप संपर्क करें, वहाँ पे आप पूछें क्या क्या इसके लिए कितनी परसेंटेज एलिजिबल है। ठीक है, तो मैंने आपको एक मिनिमम आपको आइडिया बता दिया है। अब ये दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। आपको जब आपका फाइनल ईयर का रिपोर्ट बनेगा तो उसमें आपका 48% होना चाहिए ओवरऑल। ठीक है, अब ये जो ये आपके प्रैक्टिकल के पेपर होते हैं ना, इनको इनको आप निकाल दीजिए, इनमें तो सबके ही नंबर आ जाते हैं, ऑलमोस्ट आपके 80 85 90 नंबर तो सबके ही आ जाते हैं, और वो नंबर आप ना जोड़ें इसमें। फिलहाल आप जो है उन सब्जेक्ट की कैलकुलेशन करें जो आपके एनुअल मोड पे 7 8 जो आपके सब्जेक्ट हैं उसकी परसेंटेज आप निकालेंगे, तब जाके उसकी कैलकुलेशन के आधार पर जो है आपकी गणना की जाएगी परसेंटेज की। और इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में क्या बता सकती हूँ, देखिए मैंने प्लेलिस्ट अलग तैयार कर रखी है एलएलबी की। आप अगर जो कैश लॉस देखना चाहते हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ठीक है, अब आपको मैंने जो इंग्लिश का एक पेपर भी बता रखा है, आपको पूरा फॉर्मेट बता रखा है, सारी यूनिवर्सिटियों में इसी टाइप का आता है। ठीक है, पैसेज साइनम्स ये सब कुछ उसी तरीके से आपका पेपर बन के आएगा। ठीक है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं लैंग्वेज वाले पेपर में ज़्यादा फंस जाते हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर भी मैंने डाले हुए हैं किस टाइप से क्वेश्चन पेपर आता है। सब्जेक्ट के ऊपर भी मैंने बता रखा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि जब एक नया स्टूडेंट प्रवेश कर रहा होता है इसमें एडमिशन ले रहा होता है इस कोर्स में, तो उसको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, धाराएँ भरी पड़ी होंगी। हाँ भाई, धाराएँ हैं, लेकिन किस किस सब्जेक्ट में है यहाँ पे ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपका देखिए भारतीय दंड विधि में, आईपीसी में है, इंडियन पेनल कोड में आपके जो है धाराएं भरी पड़ी हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अनुच्छेद भरे पड़े हैं, आपके इसमें साक्षर अधिनियम में भी हैं, और आपके सीआरपीसी में भी धाराएं पड़ी पड़ी है। तो देखिए ये तो धाराओं के अंतर्गत ही जो है निर्णय सुनाए जाते हैं, उनको जो है पॉइंट कर दिया गया है। तो ये चीज़ें तो आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इन सी चीज़ों से तो आप जब पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ स्टूडेंट्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट दीजिए, नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर होगा। ठीक है, और बस इस वीडियो में इतनी, थैंक यू सो मच।